राधे दोस्तों, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो कथा शुरू करते हैं आज का अध्याय। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम कहते हैं। सुनो, श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से व्रत का वृतांत कहा, तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत लेकर कौरवों को समझाने गए, तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपन्न वृतांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनका वशीभूत हूँ। अब मैं उनका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि सूचि और दृढ़ और दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले स्वरूप युवावस्था को प्राप्त गंधर्व विद्या में अति प्राचीन थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य किया करते थे। एक समय वहाँ मथुरापुरी सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाकर इच्छा प्रकट की, वह 4 दिन उपवास करेंगे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहें। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण और राग तथा कंठ में अत्यंत प्राचीन, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पर पहुँच गई। राजा ने उन 5ों को बुलाया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गई। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5ों उस पर मोहित हो गई। कादम्बरी भी 5ों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के साथ यह संदेश भेजा कि 5ों में से एक एक करके प्रति नगरी से दूर उत्तरी कोण में तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अत्यंत नामक तीर्थ है, वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत ब्राह्मणों पे से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुँच गई। वहाँ मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उस प्रकार पूजन किया। इसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन
जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादंबरी और कवि गायक व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादंबरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इस तरह पांचों ब्राह्मणों बारी बारी से नृत्य गान तथा भगवान का पूजन कर वापिस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादंबरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादंबरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला एक ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, सुधी, सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ, अतः तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यशाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। ये था भीष्म पंचक व्रत का वृतांत। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल और एक कथा के साथ, तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम।